हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ललिता मन्हास। कल करवा चौथ है और मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ मठरी और गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कोविड की वजह से इस बार बाज़ार से नहीं लेकर आई कुछ खाने का सामान। और हाँ, फेनिया लेकर आई हूँ, लेकिन क्योंकि वो मजबूरी थी उसको मैं घर पे नहीं बना सकती थी। और उसका भी इस्तेमाल मैं कैसे करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं बनाऊँगी मीठी मठरी, नमकीन मठरी और गुलाब जामुन, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगी ताकि जल्दी बन जाए। और रेसिपी पूरी कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर नहीं कर पाई तो मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, और रेसिपी फिर कभी शेयर कर दूंगी, फिर कभी क्या दिवाली से पहले ही कर दूंगी शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और मैं बनाऊंगी दो तरह की मठरी, एक नमकीन मठरी और मीठी मठरी। तो पहले बना लेते हैं नमकीन मठरी। और मेरी कोशिश क्या होगी कि जो मीठी मठरी का चाशनी पची होगी उसी से मैं गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करूंगी, ताकि जल्दी हो जाए और वेस्टेज भी ना हो। तो चलिए झटपट से सबसे पहले कर लेते हैं नमकीन मटरी की तैयारी। मटरी बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 कप मैदा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर मीठा सोडा, इसकी आप ना डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा नमक। और हम डालेंगे इसमें, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें डालेंगे हम, ये हाफ कप है, हाफ कप से कम है थोड़ा सा, तो 1/4 कप से के करीब हम डालेंगे इसमें ऑयल, जब घी भी आप डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबसे पहले हम। ये अच्छी तरह से घी जो है मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इतना ऑयल होना चाहिए कि इस तरह से मुट्ठी बन रही है हमारी। इसमें अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये लड्डू जैसा बन जा रहा है। अब हम इसे गूंद लेंगे, लेकिन हमने पानी इसमें बहुत कम डालना है और थोड़ा सख्त रखना है, थोड़ा नहीं काफ़ी सख्त रखना है। जैसे हमारी रोटी पूरी की पूरी का आटा जो है वो रोटी के आटे से थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये हमने पूरी के आटे से भी हार्ड रखना है। तो इसके लिए डायरेक्ट पानी ना डाल के सिर्फ आप पानी का छींटा दीजिए इसके ऊपर और मिक्स करिए बस। फिर अगर कम लगेगा तो फिर इसमें ऐड कर लेंगे हम। और थोड़ा सा और डालूंगी। हमने बस उतना पानी डालना है जिससे कि ये आटा जुड़ जाए। बहुत ज्यादा मलना नहीं है हमने इस आटे को, नहीं तो ये जो लेयर्स है ना वो नहीं बन पाएंगे। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए अभी ऐसे छोड़ दूंगी, और उसके बाद हम इसके मटरियां बेल लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे बना लेते हैं मटरियां। हमें बहुत ज्यादा इसको मसलना नहीं है, बस इसी तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे हम। छोटी छोटी मटरियां बनाएंगे, इतना काफी है। और इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे दो दो काली मिर्च, एक तो ये फूलेगी नहीं और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा जब फ्राई करने से, और देखने में भी अच्छी लगेगी। इसी तरह से हम सारी मटरियां बेल लेंगे। और तेल जो है मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है, हमने इसको बहुत ज्यादा मसल के भी पेड़ा नहीं बनाना है। इसके ऊपर दो दो काली मिर्च लगाते जाएंगे। आप
आप बेकिंग सोडा ना डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हैं। बस 1 2 बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट एक छोटी सी रह गई। तो चलिए कर लेते हैं इनको फ्राई। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जब हल्का गर्म हो जाए तो ये देखिए धीरे धीरे ऊपर आए, एकदम से ऊपर ना आ जाए, इतना गर्म होना चाहिए। हमारी मठरियाँ थोड़ी हैं तो हम सारी एक साथ ही डाल देंगे। और मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब ये धीरे धीरे अपने आप ऊपर आएंगी। और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अब ये धीमी धीमी आंच में पकती रहेंगे और बीच में हम एक बार इसको पलट देंगे। बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है नहीं तो टूट जाएंगे। जब तक ये फ्राई होती हैं तो चलिए हम बना लेते हैं अपनी मीठी मटरी की तैयारी कर लेते हैं। मीठी मटरी के लिए भी मैंने ले लिया 1 कप मैदा और इसमें मैं डालूंगी तेल। इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ मैं। ऑयल जैसे मैंने उसमें डाला था सेम ऐसे ही इसमें डालेंगे, नियर अबाउट 25 ग्राम के करीब तेल डालेंगे। आप अंदाजे से डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हो जाने के बाद सेम उसी तरह से हार्ड सेल डो जो है वो तैयार करेंगे हम, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको मस लूंगी। हार्ड डो है, हमने पानी कम डाला है। अब हम इसे भी ढककर रख देंगे 5-6 मिनट के लिए और उसके बाद इसकी पूरी मटरी बेलेंगे। जब तक हमारा आटा जो सेट हो रहा है तब तक ये मटरी देख लेते हैं। ये देखिए अब हम इन्हें पलटा लेते हैं। तो चलिए जब तक ये दूसरी साइड से सिकती हैं तब तक हम अपनी मीठी मटरियों को बेल लेते हैं। आटा हमारा सेट हो गया है, अब हम इनकी लोइयां बना लेंगे, मतलब कि पेड़े। अप्रॉक्सीमेटली ऐसे तोड़ तोड़ के रख लेते हैं, उसके बाद जितना चाहिए होगा हम थोड़ा बहुत ऐड या कम कर सकते हैं। इस तरह से लोई लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से बेलना है और बहुत पतला नहीं बेलना हमने इसको। अब हम इसे एक फोक की मदद से इस पर इस तरह से मार्क्स लगा देंगे। ऐसा करने से ये फूलेंगी नहीं जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो दोनों साइड लगा सकते हैं और चाशनी भी अंदर तक अच्छी तरह से चली जाएगी। अब हम इसी तरह से सारी मटरियां बेल लेंगे। जिस तरह से हमारी सारी बेड़ियां, ये बार बार पूड़ियां बोल रही हूँ मैं इनको, मटरियां बिल गई हैं। अब देख लेते हैं हमारी वो वाली मटरियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई होंगी अच्छी तरह से। उन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखो हमारी मटरियाँ लगभग हो गई हैं। एक बार और पलट लेते हैं इन्हें और थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। ये हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और अपनी दूसरी मटरियाँ फ्राई कर लेंगे। इस तरह से एक्सेस ऑयल निकालते हुए ऐसे निकाल।
अब हमें ऑयल और गरम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम निकालते हैं कुछ फ्राई करके तो उसके बाद ऑयल जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन हमें इसके लिए बहुत गर्म ऑयल नहीं चाहिए, इसीलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। अब ये ज़्यादा चौड़ी चौड़ी हैं तो ये मुझे लग रहा है सारी एक साथ नहीं आएंगी, हमें इनको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे ऊपर आएंगी, फ्लेम मैंने सिम पे ही रखा है और बहुत धीरे धीरे ऊपर आएंगे, इसमें तीन तीन ही होंगे। अब जब एक साइड से हो जाएंगे थोड़े से गोल्डन तो हम इन्हें पलट देंगे। ये मठरियाँ हमारी तैयार होती हैं फ्राई होके, तब तक हम कर लेते हैं गुलाब जामुन की तैयारी। तो चलिए, गुलाब जामुन के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला पैकेट MTR का। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक कप में 1/4 कप पानी डलेगा, तो मैं 1/4 कप इसमें पानी डालती हूँ। 1/4 कप भी मैं पूरा नहीं डालूँगी, धीरे धीरे ही डालूँगी। और इसे कर लेते हैं मिक्स। डल जाएगा 1/4 कप, डाल दिया मैंने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं हाथ से ऐसे मसल लूंगी। अब हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए, सॉफ्ट डो बन गया हमारा। थोड़ा सा और मसल लेती हूँ। चलिए 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं और उसके बाद बना लेंगे हम इसके बॉल्स। तब तक देख लेते हैं अपनी मीठी मठरियाँ। अब इधर खाली जगह दिख रही है तो हम एक मठरी और डाल देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा काम। ये जो पहले डाली थी इन्हें निकाल लेते हैं, ये हो गई है। तीन और डाल देते हैं इसमें। एक लास्ट बची है, ये भी डाल ही देते हैं। चलिए अब इनको भी धीरे धीरे होने देते हैं और अब बना लेते हैं अपने गुलाब जामुन के बॉल्स। बॉल्स हम बहुत छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे इनको ये डबल हो जाते हैं और चाशनी में जाने के बाद और साइज़ इनका बड़ा हो जाता है। इसी तरह से सारे बना लेंगे। लास्ट वाला छोटू सा रह गया, थोड़ा बहुत साइज़ छोटे बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, जाना तो पेट में ही है ना, छोटा जाए या बड़ा जाए। चलिए जी अब कर लेते हैं इनको फ्राई और वो मटरियाँ भी देख लेते हैं अपनी, उनका क्या हाल हो गया, बन गई है कि नहीं। चलिए ये भी बन गई है, एक साइड से थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ये हो गई है, अब दोनों साइड से इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी में हम अपने गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। इसमें भी हम स्लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह से डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इसे चाशनी में डालते हैं तो इनका कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो धीमी आंच पे इनको बनने देते हैं। देखिए फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं और इनको गोल गोल घुमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक ही साइड से पकेंगे ये।
गोल गोल घुमाने से ये चारों तरफ से एक जैसे पक जाते हैं। चाशनी के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप पानी। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। मठरियों के लिए हमें चाहिए 2 तार की चाशनी, मतलब 1 तार की चाशनी से थोड़ी सी गाढ़ी हो। तो जब तक हमारे गुलाब जामुन बनते हैं हम मठरियों के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब इसे पिघल लेने देते हैं। पिघलने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी जब लगभग 2 तार की, तब तक हमें मतलब जब भी ये पिघल जाएगा तो उसके बाद 4-5 मिनट हमें इसे और पकाना है। चलिए तब तक देख लेते हैं गुलाब जामुन। थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा रंग डार्क करूँगी क्योंकि बहुत लाइट हो जाते हैं चाशनी में जाने के बाद। चीनी पिघल गई है, अब इसको हम 4-5 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारे गुलाब जामुन भी बन गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अपनी मटरियाँ जो हैं इसमें डिप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-2 मिनट के लिए, और फिर निकाल देंगे। और डायरेक्ट इसी टाइम भी निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही मीठा ऊपर होगा तो अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ डिप करके निकाल रही हूँ और मैं यहाँ पे इस रैक पे रख रही हूँ ताकि जो एक्सेस चीनी होगी वो नीचे बह जाएगी। अरे चलिए अब बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा बॉईल भी करूँगी मैं। फ्लेवर के लिए मैं इलायची खोल के डाल दे रही हूँ, इसमें थोड़ी खुशबू हो जाएगी अच्छी। 4 इलायची डाल दी मैंने। अब इसको एक बॉयल आने देंगे। और मैंने गुलाब जामुन जो है ऑयल में से निकाले नहीं है क्योंकि गरम गरम ही मैं उसमें डालूंगी, तो ऐसा करने से जूस अंदर तक बहुत अच्छी तरह से चला जाता है। चाशनी हमारी तैयार है। हमें इसे 1 तार की नहीं बनाना है और चिपचिपी है, बस इतना ही करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गुलाब जामुन। मैं गैस कर दे रही हूँ बंद। और इसमें हम डाल देंगे अपने गुलाब जामुन। इसमें 15-20 मिनट पड़े रहेंगे। इसमें अभी ये 15 से 20 मिनट पड़े रहेंगे, मैं ढक के इसको रख दे रही हूँ और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। फेनियों को बनाने से पहले मैं कर रही हूँ कोविड के चलते इसे माइक्रोवेव 2 से 3 मिनट तक। मैंने इसे माइक्रोवेव सेफ डिश में डाल दिया है और इसके बाद 2 से 3 मिनट तक माइक्रोवेव करके उसके बाद चीनी घुले दूध में इसे हम भिगो देंगे। फेनिया बनाने के लिए मैं कर रही हूँ दूध गरम। वैसे मैं ठंडे में ही डालती हूँ लेकिन मुझे चीनी घोलनी है इसलिए मैं पहले गरम कर रही हूँ और साथ में कच्चा दूध है। तो अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल लीजिए और इसको मिक्स कर देंगे, इसकी चीनी घोल लेंगे और साथ में बॉयल भी हो जाएगा क्योंकि दूध मेरा कच्चा था। और इसको ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज का दूध इसमें मिक्स कर दूँगी। गरम में हम डालेंगे तो फेनियाँ हमारी जो हैं बिल्कुल गल जाएंगी और टेस्टलेस हो जाएंगी, इसलिए फेनियों को हमेशा ठंडे दूध में ही भिगो के रखना चाहिए और सुबह तक वो बिल्कुल सॉफ्ट और खाने लायक हो जाती हैं।
अब चीनी घुलने के लिए भी थोड़ा सा दूध गर्म करना था मुझे, और दूध भी कच्चा था इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कम दूध गर्म करके भी चीनी घोली जा सकती थी। अब ये बॉईल आ जाएगा तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी और इसमें ठंडा दूध मिक्स करके फिनिया मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं फ्रिज का दूध भी मिक्स कर लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये दूध गर्म नहीं है, गुनगुना सा है, उतना चल जाएगा लेकिन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए दूध। अब मैं इसमें फेनिया डाल दूँगी, दूध ज़्यादा और फेनिया कम हो, क्योंकि फूल के ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और सुबह तक फिर दूध और मिक्स करना पड़ जाएगा। बस इसमें थोड़ा दूध और जाएगा, कम होगा तो सुबह भी डाला जा सकता है। और ये खाने में गर्म नहीं, ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती हैं। सुबह तक और ठंडी हो जाएंगी। तो लीजिए हमारी फेनिया भी तैयार, अब मिलते हैं कल। तो इस तरह से हमारा मठरियों का प्रोजेक्ट हो जाता है ख़त्म, और हमने मठरियों के साथ साथ बना लिए गुलाब जामुन, और साथ ही अपनी रेसिपी शेयर की मैंने फेनियों की। उम्मीद नहीं थी कि मैं आज आपके साथ पूरी मठरी की रेसिपी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन हो गया। और जब हमने शुरू किया था तो 9 बजे थे, और पूरा तैयारी करते करते मुझे 9:30 हो गए थे स्टार्ट करते हुए, लेकिन और 9:30 से अब बज गए हैं 11:45। तो चलिए कल मिलती हूँ, थक भी गई हूँ, रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, और मेहंदी कैसे लगाऊँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश पूरी करूँगी। कल का भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और अगर बाय चांस कल नहीं बना पाती हूँ तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। बाय बाय।